जियो बेटा। तमाम आप लोग बिरहा हमरे आवाज में करुण रस, वीर रस, हास्य रस, पौराणिक लोकगीत, तमाम निर्गुण तमाम गीत सुन ली और बिरहा के रूप में एक और बिरहा आप लोगन के बीच में हम भेजत बानी। नया तत्काल के ही घटना बा, आज पेपर पर, न्यूज में, टेलीविजन पर आप लोगन देखत हुन कि तमाम जेव टेलीविजन खोलल जात बा तले तालिबान अफगानिस्तान के लड़ाई शुरू। तालिबान और अफगानिस्तान के लड़ाई ऐसन हो गई बा कि ई लड़ाई पूरा अफजनाता के विश्व युद्ध करा दे, विश्व स्तरीय लड़ाई हो गई बा। आज उसी अफगानिस्तान से एक सटी हुई कहानी है जो प्रकाश में आई है बाबू। अफगानिस्तान की ही कहानी है, वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। कवि जी भूमिका में लिखे हैं क्या, आतंक अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा, विश्व का कोना कोना परेशान है, कहीं नक्सलवाड़ी माओवादी पले, कहीं ऊधम मचाया ये तालिबान है, तिलमिला जाता दिल सुन के खूनी खबर, डर से सहमा हुआ या जो इंसान है, चंडाल से हार स्वीकार कर मौन भगवान है। एक लाइन तर्जमा मास्टर का तर्ज का लाइन बा, यह तरज हो पन्ना भाई कि अरे प्रभु तेरी लीला लीला लीला, प्रभु तेरी लीला समझ में न आए आए रे आए, समझ न आए, आए रे आए। निचोड़ लेके ए लाइन में लिखल बका, जैसा जिसकी करनी वैसा फल पाए पाए रे पाए,
आतंकी संगठन है। ध्यान देंगे, बात की शुरुआत यहीं से होती है। तालिबान एक आतंकी संगठन है, ये भी अफगानिस्तान का ही रहने वाला है, लेकिन ये एक संगठन है तालिबान, उग्रवादियों का, आतंकियों का। यहीं से बात की शुरुआत होती है। नजम के लाइन में लिखा गया क्या, तालिबान ने अफगान को झक छोड़ दिया, वहां की अर्थव्यवस्था को वो कमजोर किया। कहानी आगे बढ़ी, जमीर 2017 में प्रवास किया, जमीर एक नाम है, जमीर 2017 में प्रवास किया, बाजौर जिला पाकिस्तान में निवास किया। पढ़ा लिखा जमीर डरता था खुदाई से, पढ़ा लिखा जमीर डरता था खुदाई से, जीवन यापन करता मेहनत की कमाई से। समझला बिरहा, हमारे एकदम साफ साफ समझ में चली आई। अफगान का रहने वाला जमीर एक नौजवान था, पढ़ा लिखा था, और तालिबानियों के आतंक से वो अपना अफगान को छोड़ करके भाग करके पाकिस्तान में चला आया। ये बात है 2017 की। 2017 में वो आ गया पाकिस्तान में। बाबू जमीर पाकिस्तान के बाजौर जिला में आ करके रहने लगा और समय धीरे धीरे बीतने लगा। पढ़ा लिखा नौजवान था, हैंडसम था। समय बीतते बीतते उसके जिंदगी में एक ऐसा समय आया जो कि यास्मीन लड़की से, पाकिस्तान की ही, ओ बाजौर जिला की रहने वाली थी, और उसी बाजौर में ये जमीर भी रहता था। बाबू दोनों में नयन चार हुई और बेपनाह जमीर उस लड़की से, यास्मीन से प्यार करने लगा। आखिरकार प्यार करते करते कहल जला कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान, रहीमन दाबे ना दबे जाने शकल जहान। यास्मीन के घर वालों को भी पता चल गया कि ये जमीर से प्यार करती है, वो भी मुसलमान ही था, ये भी मुसलमान थी। रजामंदी से ही खूब धूमधाम से दोनों की शादी हुई, शादी किए लोग और रहने लगे। लेकिन जब शादी करके बाजौर में रहने लगा, दोनों पति पत्नी वहीं पर जिंदगी व्यतीत करने लगे। हुआ क्या बाबू, बड़ा जोरदार तर्ज लगल बा मास्टर, बड़ा खूब लड़का गावत हूँ।
जाना के भावना बा, हमरे बिरहा कर तर्ज के बाद फर्ज बा। का फर्ज बा? कली का चनार पहिने हो, घोरा गुंजार कैले हो, खुशियाँ अपार भइले हो, गोदिया गुलजार भइले हो, बच्ची को जन्म देती है। प्यार का निशानी आज अपने पति के प्यार के निशानी के रूप में एक बिटिया का जन्म दे लेवे। आज जब बिटिया का जन्म भयल बा ओ समय आज उसका पति एक बात कहता है। क्या कहता है? इतना दिन साथे साथे रहली जब पजारा अफगान शाह जमीर था। अपनी बीबी बच्ची के पैदा हो जाने के बाद बीबी से कहता है कि देखो हम दोनों एक साथ बहुत दिन तक रहे, लेकिन अब एक बेटी का जन्म हुआ है और बेटी तो वैसे भी पराई धन होती है। एक काम करो यसीन कि हम जो है जाएंगे बाहर कमाने के लिए, पैसा कमाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी जिंदगी देंगे। पत्नी को समझा करके और वो घर से निकल पड़ता है बाबू जमीर, जिसका फुल नाम अफगान शाह जमीर था। घर से निकलल बा यास्मीन के समझा बुझा के कि तू बचिया के ध्यान दिया, टाइम से के दूध पियई हा, फल फ्रूट खियई हा, हम पैसा भेजब, हम कमाई यही से जाता नहीं कि बेटी के कमाई पैसा कौड़ी से बिटिया के अपना हम पढ़ा लिखा के एक अच्छा जिंदगी दे। गईल बा, चल दिया घर से निकल गया अफगान शाह जमीर। लेकिन कहान गईल बा बाबू कभी जी भाव दिलन तरज बा, का तरज के लाइन बा मास्टर। बाकी पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागल टोपिया में।
पियावा पेशावर गईले, वही पाकिस्तान में पेशावर जाता है कमाने के लिए जमीन। पियावा पेशावर गईले छोड़ छोटी बिटिया के, खुशी से दोनों पति पत्नी का जिंदगी बीतत बा। ओहर पेशावर में कमात बाटे जमीर, एहर बाजौर में पत्नी बेटी के लेके रहत। 2019 में फिर बाबू ओ जमीर जो है जहां गया था पेशावर कमा रहा था, कुछ तबीयत खराब होता है और वहां से आता है। कहानी यही मोड़ लेती है। देखें साथ में ये भी प्रमाण मिला कि उसकी बेटी का जन्मदिन भी था, इसकी तबीयत भी खराब थी। जो कमा रहा था खर्चा वर्चा अपनी बीवी को भेजा देता था, लेकिन न इसके बीवी का अकाउंट था बैंक का, न उसका अकाउंट था। जमीर को एक अपने साथी जिसका नाम गुलिस्तान था, गुलिस्तान के खाते में ही बाकी पैसा जो बचता था वो गुलिस्तान के खाते में ही डाल देता था। अपना दोस्त समझ करके दोनों एक दांत के रोटी खाने वाले थे। दोनों एक दांत का रोटी खात रहलन। देखा बाबू बाकी पैसा जो बचत बा गुलिस्तान के खाता में उड़ाले जात बा कि चला हमार दोस्त था, जब मांगब तब दे दिहन। आ जब तबीयत खराब भइल बा पेशावर से आइल बणन यहाँ बाजौर, जिसको कहते हैं बाजौर में आया है, बेटी का जन्मदिन है, तबीयत खराब है, जाता है पैसा मांगने के लिए गुलिस्तान से कि साथी मेरे बहुत पैसे हैं तेरे खाते में और पैसे की आवश्यकता है, पैसा कुछ निकाल करके दो ताकि मैं अपनी दावा दारू भी करा सकूं और बेटी का जन्मदिन भी मना सकूं। हुआ क्या बाबूजी? एक लाइन तर्ज बा लेकिन तर्ज से सुंदर हमरे विरह का भाव दिहल गई। जमीर गुलिस्तान के पास, गुलिस्तान कहा कि
यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हार जो तुम पैसा दिया था वो मुझसे खर्च हो गया है और मैं पैसा इंतजाम करके तुम्हें देता हूँ। लगा जमीर कहने की, अरे भाई तुम्हें तो मैं दोस्त समझता था, आज कितना विश्वास करके तुम्हारा खाता में हम सब पैसा डलनी, आज हमार मौका आई बात तुम्हारा पास पैसा नहीं है, हमार पैसा तू खर्च कर दिया, देखा हमके दवाई करे के बा केन्यू ले कहूँ ले जुगाड़ कर दवा दारू के कुछ हमार तबीयत ठीक होके। कालस गुलिस्तान की, यार घबराओ मत, चलो मैं तुम्हें दवा दिलाता हूँ। हॉस्पिटल में ले जाता है गुलिस्तान, वहां से कुछ दवा खरीदता है और उसी में एक जहर की इंजेक्शन ले लेता है। ले जाता है एक नदी के किनार पर और कहता है कि ये तुम्हें ये सुई इंजेक्शन तुम्हें डालना है तो क्या डॉक्टर के पास चलना है, हम इंजेक्शन डालते ही हैं, लोगों को इंजेक्शन देते ही हैं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आओ हम इंजेक्शन लगा देते हैं। समझ नहीं पाया बाबू जमीर और उसका जिगरी दोस्त गुलिस्तान उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया और एक पेन किलर का इंजेक्शन रखा था दर्द का, उसे दे करके कहा कि चलो घर और ये इंजेक्शन घर चल करके ले लेना। उसको ले आ करके घर छोड़ दिया बाबू, शरीर में पॉइजन फैलना शुरू किया, जहर फैलना शुरू हुआ, छटपटा छटपटा करके आज अफगान शाह जमीर अपनी बीबी और बेटी के सामने ही अंतिम दम को तोड़ देता है। और गुलिस्तान तो चला गया इसको घर पर छोड़ करके, ये देखें आज की दोस्ती कैसी दोस्ती है, लानत है ऐसी दोस्ती पर। लेकिन होता है क्या बाबू, तर्ज कलाइन बा का तर्ज कलाइन बा भैया, है तर्ज बाकी बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला ऐसा बिछड़ा जो फिर से दोबारा ना मिला। भैया मेरे पति तेरे ही खाते में पैसा रखते थे, आज इस दुनिया में नहीं है, उनका अंतिम संस्कार करना है, कब्रिस्तान में उनको ले जाना है, ताबूत के अंदर बंद करके कुछ पैसे की जरूरत है, भैया कुछ पैसा दे दो। ओ कह दिया गुलिस्तान, कह दिया कि तेरा पति का पैसा तो मैं दे चुका हूं, मेरे पास तेरे पति का पैसा नहीं है। वहीं से उस औरत के दिल में शंका होता है गुलिस्तान के प्रति कि मेरे पति का गद्दार दोस्त है। मजलिस के लिए
कफन दफन करती है। ओ अबला, अपने पति के कफन दफन को करके कब्रिस्तान में ले जा करके दफन करती है, दफनाती है और कब्रिस्तान में दफना करके घर लौटी है। लेकिन उसके पति का जो दोस्त था गुलिस्तान, उसके प्रति उसके दिल में नफरत पैदा हो गया और इंतकाम का शोला भड़क उठा। समय बीतल धीरे धीरे, नतीजा निकलर का कहानी मोड़ लेते हुए बाबू। कि देई के कफना दफन देई के कफना दफन कैली कब्रिस्तानवा में, ए भैया तनावा में बदला के धधके आयोजन बनावे लगली, युक्ति लगावे लगली, योजना बनावे लगली, युक्ति लगावे लगली, यासमीन बनी गईली घायल नगिनिया। बीतल कुछ समय भैया, बीतल कुछ समय अब पटवली मुदैया के, अब पिस्तल खरीदवाई लिहली बनी के दूलहिनिया। भाई के प्रशिक्षण भीषण भेसावा बनवाली हो, आरतिया में घतिया लगवाली भवनिया। अब बात समझ लीजिए, कहानी एकदम साफ साफ समझ में आ जाएगी। अब वो औरत के पास कौनो चारा ना बाबू, लेकिन सीना में बदला के आग धधकतवा कि गुलिस्तान से अपना पति के बदला ले। समझ गई कि अब ए तरह बदला ना ले पाई। धीरे धीरे प्यार करे लगल, प्यार सो के बतियावे लगल। आप बतियावत 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 अपने त्रिया चरित्र में लपेट लिहलस, लपेट के कहलस कि देखा हम तो बनी, हम तो अब अकेले बानी, आगे पीछे केहू ना बा, अब तुहार दोस्त रलहन, तो हमके सहारा जिंदगी के देवे खातिर तू हमसे शादी कर। माया जाल में गुलिस्तान फंस गई लन। जब त्रिया चरित्रम दैबो न जाने, जब त्रिया चरित्र में लपेट लेलस उनसे निकाह करौलस, अपन निकाह कह के कुछ दिन समय बितौलस, कहलस कि एक काम बाटे, अब एहर जौनबा गुलिस्तान के घर वाला ना खुश हुअन, घरे रहे निखन देत, अपन के लेके बहरे एने ओने भाड़ा पर क्वार्टर लेके रहत बा गुलिस्तान। कहलस कि एक काम करा कि अब ए तरह कितना दिन तक हमनी के भटकल जाई, चल कहीं यहाँ से दूर चलल जाए। आखिरकार 2 महीना 3 महीना 4 महीना रेहर ओहर जाके दूर भटकलन, कहीं ठौर ठिकाना ना मिलल। आ जब ठौर ठिकाना ना मिलल तो फिर लवट के वही बाजौरे में चली एलन और अपन क्वार्टर लेके एवना बीवी के, नई बीवी के लेके रहे लगलन गुलिस्तान। मोह माया में इनके फसावत फसावत कलस के हमनी के दुई आदमी बानी जा, हमनी के जान के खतरा बा।
तुहार घर वाला खिलाफत करत हुए काम कर कि अगर हमनी के एक पिस्टल रही तो अपन रक्षा कर लेती जा। 13,500 के जैसा कि प्रमाण मिला है, 13,500 के पिस्टल खरीदवाई है गुलिस्तान से, और पिस्टल खरीदवा करके ट्रेनिंग लेती है उसी गुलिस्तान से पिस्टल चलाने के लिए। जब पूरी तरह से चलाने में परिपक्व हो गई, तब एक दिन करती है क्या बाबू, कवि जी टेरी के बात लिखलन है का, अब घोटाई ना जी अत जी मछिया मोरे राम हो राम, ए भैया घोटाई ना जी अत जी मछिया लेके प्रतिशोध जिगर में चंडी रूप बनाई। सही है मालिक, आज बाबू चंडी रूप बनाती है, और रात के वक्त में बाहर से आया है गुलिस्तान, खाना खा पी करके सोया है, तब जब 12 बज जाता है रात को, ये देखें औरत करती है क्या, शान पुत्री का गजल दी हलवा कि यारे ले कर में पिस्टल है, ले कर में पिस्टल बनी पुतली बाई, अरे ले कर में पिस्टल बनी पुतली बाई, तो रावण दुशासन रे पापी कसाई, पहुंच गए दूसर के घर में, जोने अलमारी में पिस्टल धैल बा, पिस्टल के अपन गोली लोड कर लेबे, सोचत में मन में का कह सोचत में कि चाहे जमाना कहे मुझको निहारे, अरे सती सब निहारे, गगन से सती को सती सब निहारे, गगन से सती को, अरे अपने पति का वो बदला चुकाई। जाती है पिस्टल लेकर के, ओ गुलिस्तान सोया हुआ था, कनपट्टी पर सटा करके गोली चलाती है, लेकिन देखे खुदा की मर्जी नहीं थी, गोली मिस कर गई, फायर नहीं हुआ, दोबारा कोशिश करती है चलाने की, दोबारा भी मिस कर जाता है, तब धीरे से वहां से हट जाती है, जाकर दोबारा पिस्टल खोलती है, खोल करके पुनः ठीक करती है पिस्टल को, गोली लोड करती है, और तीसरी बार जा करके सामने से गुलिस्तान के ठाई ठाई, हालांकि पहली गोली ही गुलिस्तान के सर में लग चुका था, अपने पति के इंतकाम के आग में इतनी जल रही थी वो, उसकी औरत की उसे मरने के बाद भी दो गोली और मारती है, आराम से जा करके फिर सो जाती है। सुबह होता है, इस तरह तो
कुछ पहले प्रमाण मिलता है कि पहले बहानाबाजी करती है। वहाँ इतना इंटरियल इलाका था कि उस समय वहाँ थाना उना भी नहीं था, लेकिन जब ये कांड हुआ उस समय थाना हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर आया, उस पुलिस इंस्पेक्टर का इनायत अली नाम बताया गया। जब बयान लेने लगा तो फफक फफक करके रोने लगी और पूरी शुरू से लेकर के अंत तक अपने पति की कहानी और इस गद्दार गुलिस्तान की कहानी बताती है। कहती है कि और दोनों हाथ उठा करके हथकड़ी चूमती है, दोनों हाथ में हथकड़ी लगा पहनती है। कहती है कि साहब मुझे अफसोस नहीं है कि मैं जेल के अंदर चल रही हूँ, मुझे खुशी है जो मेरा इंतकाम था, जिसे मैं बदला लेना था अपने पति की बदला ले लिया। गुलिस्तान साहब मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुशी खुशी आपके साथ अरेस्ट हो रही हूँ। बाबू लेकिन हुआ क्या? कि काल महाकाल भी, ए भैया काल महाकाल भी, अरे नारी से हारी गई ले। पूरी कहानी बताती है। इंस्पेक्टर इनायत अली से पूरी कहानी बतौले बे, कहले बे कि ओकरे बात का भइल गोदा गुलाजार भइल बिटिया जन्मवती बाबू। कहानी बताती है, कहती है कि साहब मैं गुनहगार हूँ, कानून की मैं इज्जत करती हूँ, आप चाहे तो मुझे फांसी के फंदे पे झूला दें या आजीवन कारावास दें, मैं सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरा मकसद था वो मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं अपने पति की बदला लेना चाहती थी इस गद्दार कमीने कुत्ते की औलाद से, मेरा मकसद पूरा हुआ। अब मैं आपके साथ कानून के हवाले करती हूँ। सोचने पर लोग मजबूर हैं। पाकिस्तान की आवाम उस लड़की को देख करके दांते उंगली काट रहे हैं लोग कि खुदा ऐ मालिक तूने ऐसा भी इंसान इस धरती पर भेजता है। लेकिन हुआ क्या बाबू? सुनिका सच्चाई के लोग चकचिहाई गईले, अब पुलिस प्रशासन के माथा चकराई गईले।
अश्विन जेल के अंदर बंद है बाबू। गाना लिखने लिखे वक्त गाना जब लिखाई तब तक वो जेल में बंद रहे और उसकी जो बेटी थी उस बेटी को भी पाकिस्तान की सरकार अपने जिम्मा ली है। उस बेटी को अपने देखरेख में पालन पोषण करती है पाकिस्तान सरकार। कवि जी लिख रहा है का कि हंसी खुशी से हाथ में पहरली हथकड़ी सभी मान से चमके चेहरा जैसे जर फुलझड़ी हो बाबूजी। आज भी वो लड़की जेल के अंदर है और ये कोई कपोल कहानी नहीं है, ये सत्य कथा है। आप YouTube खोलेंगे Google पर तो आपको ये कहानी मिलेगी। अगर कोई बात की शंका होगी तो ये Google से कहानी मिल सकती है। सुनने वाले भाई Google पर ये कहानी मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गाना के अंतिम लाइन कहल गई का जय जखार गुरुजन तू लौटन की लहरे फुलवारी कथन करे कवि अनुज लाल रविंदर ने सार की बलिहारी अरे घोटाई ना जी अताजी मछिया ए भैया घोटाई ना जी अताजी मछिया अनुज वो